अच्छा यहाँ पे अब 3 मिनट में मैं क्या बात करूँ, हमारे से पहले जो सेशन था उसमें रेंट ऑफ पार्टी की बात हो रही थी, सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे, तो अच्छा ये टेलीविजन मीडिया भी We do have some television cameras and their microphones, so therefore, request Haman Mir sir. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले जो सेशन था उसमें सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट ऑफ पार्टी, तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की. आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं है, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं. लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है, तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं. और नहीं नहीं ये भाई उन्होंने अच्छी बात की है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना. और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे. और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से है. ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है. ये जो यहां से आवाज आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफों से निकाल दें, साफ कर दें. ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये आपको खराब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें. और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आज़ादी का तहफ़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़ मांग रहा है. और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है. इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है. लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में. तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो. आईने पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअसर कर दिया गया है. आप जिस आईन के तहफ़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वॉयलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं. और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी के आईन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आईन तो खुद तहफ़ मांग रहा है. और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा. जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले. आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज खुद नोटिस लिया. क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ. एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ. फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयान लिए, कुछ नहीं हुआ. तो हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो. तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था. तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा TV चैनल्स पर एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा. तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा, वो उस कमीशन के सामने आगे बताए.
तो आप देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्ला बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, दो या तीन किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पर आके तकरीरें की हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से दो या तीन उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आएं। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया है कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना, ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई, हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, ज़्यादा मैं अपनी सीट पर वापस आ रहा हूँ।